अलमकुम पिछली वीडियो में हमने कार्ड मशीन के ऊपर मटेरियल के फ़्लो को देखा था कि मटेरियल कहाँ से एंटर होता है और कैसे मूव करते हुए मटेरियल किस फॉर्म में स्लाइवर की फॉर्म में कैसे आउटपुट की फॉर्म में निकलता है और कैन में डिपॉजिट होता है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार्ड मशीन के ऊपर जो तीन बेसिक एक्शन हैं वो कौन से होते हैं तो वह एक्शनस कहाँ पर होते हैं क्यों होते हैं तो जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है इस मशीन के जो बेसिक पार्ट्स हैं पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किए थे सबसे पहले टेकर इन रीजन बेसिक एक एक जो रोलर है वो टेकर इन रीजन एक बेसिक रोलर है उसके बाद जो मेन रोलर है वो सिलेंडर है यहाँ पे जो बड़ा सारा ये सिलेंडर नज़र आ रहा है फिर उसके बाद डॉफर है और सिलेंडर के ऊपर ये फ्लैट्स होती हैं अब ये जो जितने भी रोलर हैं इन सब की आपस में जो कम्बिनेशन कम्बाइंड गंगीन वर्किंग है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हर रोलर की सरफेस के ऊपर कुछ क्लोदिंग होती है कुछ टीथ होते हैं या वायर पॉइंट्स होते हैं और इनको आप क्लोदिंग कहते हैं और ये जो क्लोदिंग है इनकी बड़ी क्लोज सेटिंग होती है और सारी वर्किंग इसी के दरमियान होती है तो ये जो क्लोजिंग क्लोदिंग की सेटिंग है ये जिस रीजन में आपने जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना हो उस हिसाब से होती है तो यहाँ पे जैसे ये इन और सिलेंडर और ये डॉफ़र इन तीनों की क्लोदिंग आपको एक तरह की नज़र आ रही है कि जैसे ये सा ट हैं सा जैसे उर्दू में आरी को कहते हैं तो आरा या आरी के जो टीथ होते हैं उसकी तरह के यहाँ पर ये टीथ हैं और ये पूरी की पूरी वर्थ के ऊपर होते हैं तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या एक रोलर की क्लोथिंग की या सा टीथ की दूसरी रोलर के साथ जो सेटिंग है बेसिकली वो डिटर्मिन करती है कि इन दोनों के दरम्यान एक्शन कौन सा होगा तो ये बेसिकली तीन एक्शन होते हैं पूरे कार्ड के ऊपर जो कि इन क्लो इन क्लोदिंग के दरम्यान होते हैं बेकरिन और सिलेंडर के दरमियान एक एक्शन होता है सिलेंडर और फ्लैट्स के दरम्यान एक एक्शन होता है फिर डॉफ़र और सिलेंडर के दरमियान एक एक्शन होता है तो ये एक्शन बेसिकली क्या है इनको क्या नाम दिया जाता है और इसमें जो क्लोद एक क्लोदिंग की दूसरी क्लोदिंग के साथ अरेंजमेंट है या एक क्लोदिंग के वायर पॉइंट्स की दूसरी क्लोदिंग के वायर पॉइंट के साथ जो सेटिंग या अरेंजमेंट है उसका क्या अमल दखल है वो हम डिस्कस करेंगे तो ये बेसिकली इन क्लोदिंग के दरम्या जो एक्शन होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं तीन तरह की क्लोदिंग कन्फिगरीशन हो सकती है इसको क्लोदिंग कन्फिग्रेशन आप बोल लें तो ये फेमस है इसमें पॉइंट टू पॉइंट एक्शन है जो कि मेन एक्शन है जो कार्डिंग एक्शन जिसको आप कहते हैं फिर पॉइंट टू बैक एक्शन होता है फिर बैक टू बैक एक्शन होता है तो ये जो नाम निकले हैं पॉइंट टू पॉइंट इसका मतलब ये है कि एक ए, रोलर की जो क्लोदिंग है उसका जो पॉइंट है उसकी कन्फिग्रेशन दूसरे रोलर की क्लोदिंग का जो पॉइंट है उसके साथ कैसी है कैसा है क्या कम्बिनेशन है तो ये पॉइंट टू पॉइंट है तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट एक्शन कहेंगे अगर ये पॉइंट टू बैक है जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये पॉइंट टू बैक होगा तो ये पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू बैक एक्शन क्या होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव मकसद क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट एक्शन है इसका मतलब ये है कि एक क्लोदिंग का पॉइंट जैसा कि यहाँ पे है एक क्लोदिंग का पॉइंट दूसरी क्लोदिंग के पॉइंट के साथ आमने सामने कन्फिग्रेशन में है ये कन्फिग्रेशन है इसकी तो इसको कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट एक्शन ये जो एक्शन है ये बेसिकली यही कार्डिंग एक्शन है और ये जो कार्डिंग एक्शन है ये सिलेंडर और फ्लैट्स के दरमियान होता है और इसी वजह से इस मशीन को कार्ड मशीन कहते हैं और यही कार्डिंग एक्शन है और इसी के नतीजे में फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है इसी के नतीजे में सिलेंडर की सरफस के ऊपर फाइबर की लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन होती है तो ये जो कार्डिंग एक्शन है इट रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ फाइबर्स एक्शन इन ओपनिंग ऑफ फाइबर्स इट टेक्स प्लेस बिटवीन सिलेंडर एंड फ्लैट्स क्लोदिंग और ये सिलेंडर और फ्लैट्स की क्लोदिंग के दरम्या जो एक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पॉइंट पॉइंट के साथ एक्ट करता है फाइबर के ऊपर बड़ा अग्रेसिव एक्शन होता है तो ये पॉइंट टू पॉइंट एक्शन है दूसरा जो फेमस एक्शन है वो है पॉइंट टू बैक एक्शन इसको नाम दिया जाता है ये पॉइंट टू जो बैक एक्शन है इसका मतलब ये होता है जैसा कि यहाँ पे है कि एक क्लोदिंग का पॉइंट दूसरी क्लोदिंग के पॉइंट के साथ आमने सामने नहीं है बल्कि एक का पॉइंट है दूसरे की बैक है जैसा कि ये इसकी जो क्लोदिंग है वो इस डायरेक्शन में है और इसकी जो टेकरिन की क्लोदिंग है वो इस डायरेक्शन में है तो इसका जो पॉइंट है वो इसके पॉइंट के सामने नहीं है बल्कि ये इसकी बैक है और इसका पॉइंट है तो एक क्लोदिंग का पॉइंट दूसरी क्लोदिंग की बैक को आमने सामने हो तो इसको पॉइंट टू बैक एक्शन कहते हैं जैसा कि यहाँ पे है पॉइंट इस डायरेक्शन में है और दूसरी क्लोदिंग का पॉइंट इस डायरेक्शन में है तो एक का पॉइंट दूसरे के वो okay, कि दूसरे की बैक के आमने सामने है ये पॉइंट और ये बैक तो ये जो अरेंजमेंट होती है क्लोदिंग की ये टेकर इन और सिलेंडर की सरफेस के दरम्यान होती है और इसका भी एक मकसद होता है कि जहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन होगी वहाँ पे स्ट्रिपिंग एक्शन होगा इस स्ट्रिपिंग एक्शन को मटेरियल ट्रांसफ़र एक्शन भी कहते हैं जहाँ पे भी बैक टू बैक क्लोदिंग की कॉन्फ़िगरेशन होगी वहाँ पे एक क्लोदिंग से दूसरी क्लोदिंग के ऊपर मेटीरियल ट्रांसफ़र होगा जिसको स्ट्रिपिंग एक्शन कहते हैं तो यहाँ पर क्योंकि टेकर इन ने मटेरियल को फीड रोलर से ले कर ओपन करके आगे मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है सिलेंडर को और सिलेंडर की क्लोथिंग ने टेकर टेकरिनसी की सरफेस से फ़ाइबर को लेना है तो ये क्लो ये स्ट्रिपिंग एक्शन फिर यहाँ पे होगा ताकि टेकर इन की क्लोथिंग से सिलेंडर की क्लोथिंग को मटेरियल ट्रांसफ़र किया जा सके और उसके बाद फिर यहाँ पर जब मटीरियल आता है तो पॉइंट टू पॉइंट एक्शन यहाँ पर होता है ताकि फाइबर टू फाइबर ओपनिंग की जा सके और उसके बाद ये जो क्लोदिंग है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट तो ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बन रही है हालांकि यहाँ पे मटेरियल डॉफ़र ने स्ट्रिप करना है सिलेंडर की सरफस के दरम्या इसकी सरफस से तो ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन क्यों है और इसके बावजूद यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है ये सारी की सारी डिस्कशन हम जब डॉफ़र रीजन पढ़ेंगे तो उस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ़िलहाल इतना ही जेहन में रखें कि सिलेंडर से डॉफर के ऊपर मटेरियल ट्रांसफ़र होता है लेकिन ये ट्रांसफ़र जो है वो पॉइंट टू बैक एक्शन के नतीजे में नहीं होता जैसा कि यहाँ पे होता है बल्कि पॉइंट टू पॉइंट एक्शन जो कि कार्डिंग एक्शन के लिए ज़रूरी है उसी के ज़रिए से होता है और इसके पॉजिटिव या नेगेटिव क्या हैं ये हम नेक्स्ट कार्डिंग रीजन में डिस्कस करेंगे तो उसके बाद बैक टू बैक एक्शन कि यानी कि एक uh, जो दोनों क्लोदिंग के जो पॉइंट्स हैं वो आपस में बैक टू बैक हों इसको ब्रशिंग एक्शन कहते हैं या क्लीनिंग एक्शन कहते हैं इसके नतीजे में दो सर्फस के दरमियान क्लीनिंग होती है यानी एक सर्फस जो है एक क्लोदिंग है जो दूसरी सर्फस की क्लोदिंग है उसको क्लीन करती है मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे ये यह, क्लीनिंग के रोलर्स हैं ये इन, इनके जो वायर पॉइंट्स हैं वो फ्लैट्स के वायर पॉइंट्स के दरमियान बैक टू बैक कॉन्फ़िगरेशन में होंगे जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये क्लीनिंग जो रोलर है उसका ब्रश है और उसका जो बैक है सॉरी ये ये पॉइंट ये पॉइंट टू बैक जी ये बैक टू बैक एक्शन है यानी कि या इसका जो बैक है इसके बैक के साथ वर्किंग वर्किंग में है वर्क कर रहा है तो जब दोनों दो, दो क्लोदिंग के जो पॉइंट्स है वो आपस में बैक टू बैक हों तो फिर वहाँ क्लीनिंग एक्शन होता है और ये जो कन्फिग्रेशन है ये जो क्लीनिंग रोलर है ये क्लीनिंग रोलर जो यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला इसका इसकी क्लोदिंग और इस फ्लैट्स की क्लोदिंग जो है वो इस कन्फिग्रेशन में होगी तो इस कन्फिग्रेशन के नतीजे में जो है वो क्लीनिंग एक्शन होगा तो यहाँ पे एक क्लोदिंग की दूसरे क्लोदिंग के साथ यहाँ पे सारी कन्फिग्रेशन जो है वो इंटरनेट से ये पिक्चर्स ली गई हैं ये बुस ली गई हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है ये कार्डिंग के लिए ज़रूरी है ये फ्लैट और सिलेंडर के दरमियान होती है ये पॉइंट टू बैक है इससे मटेरियल ट्रांसफ़र होता है स्ट्रिपिंग एक्शन होता है ये टेकरिन और सिलेंडर के दरमियान होती है और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ रोलर की फॉर्म में भी दिखाया गया है ये एक सरफस है और ये दूसरी है इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आमने सामने है अब यहाँ पर एक पॉइंट और थोड़ा जहन में रखें कि जो पॉइंट टू पॉइंट एक्शन है उसके लिए ये एक समझ लें कि ये सिलेंडर है और ये दूसरा एक रोलर है नॉर्मली फ्लॉट्स फ्लैट्स के दरमियान होता है लेकिन यहाँ पर ये जो इमेज है इसमें ये सिलेंडर दिखाया गया है तो बहरहाल इसमें ये आ, दोनों जो रोलर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट एक्शन होता है कि ये इस तरफ को मूव कर रहा है ये इस तरफ को मूव कर रहा है इसके दरमियान से जो मटेरियल पास करेगा वो उसके ऊपर ये अग्रेसिव एक्शन होगा और पॉइंट टू पॉइंट एक्शन के नतीजे में फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होगी तो अगर तो दोनों फाइबर दोनों रोलर्स या दोनों सर्फसज या दोनों क्लोदिंग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो पॉइंट टू पॉइंट एक्शन ईजीली हो जाता है लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रही हूँ तब भी पॉइंट टू पॉइंट एक्शन होता है लेकिन इसमें फिर जो पॉइंट टू पॉइंट एक्शन है वो स्पीड के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है कि ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन ये जो क्लोदिंग है ये इतनी फास्ट मूव कर रही है कि ये जब इस पॉइंट के पास से गुजरेगी तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इस डायरेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट एक्शन होगा तो या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो फिर तो आसानी से हो जाएगा या फिर सेम डायरेक्शन मूवमेंट हो दोनों क्लोदिंग की तो फिर स्पीड डिफरेंस की वजह से भी पॉइंट टू पॉइंट एक्शन होता है और यहाँ पे ये जो पॉइंट टू बैक एक्शन है इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सर्फेसेस की मूवमेंट है यानी या कि एक को समझ लें आप टेकरी ने एक सिलेंडर है अपोजिट तो डायरेक्शन में अगर मूवमेंट है तो पॉइंट टू बैक एक्शन बड़ा इजीली हो जाएगा और अगर फ़र्ज़ करें सेम डायरेक्शन मूवमेंट भी है तो भी पॉइंट टू बैक एक्शन अकम्पलिश किया अचीव किया जा सकता है बशर्ते कि एक सर्फस जो है वो स्लो ये फाइबर एंटर इस डायरेक्शन में हो रहे हैं और फाइबर इस डायरेक्शन में लीव कर रहे हैं यानी कि इस क्लोदिंग से फाइबर इस क्लोदिंग के ऊपर आ रहे हैं तो ये वाली जो क्लोदिंग है ये फास्ट है ये वाला रोलर फास्ट है तो स्पीड के डिफरेंस की वजह से पॉइंट इसका पॉइंट इसकी बैक तो ये जब पॉइंट टू बैक एक्शन होगा तो ये वाली क्लोदिंग इस वाली क्लोदिंग से ले जाएगी सिर्फ फाइबर ले जाएगी तो यहाँ पे पॉइंट टू बैक एक्शन होगा और ये पॉइंट बैक टू बैक एक्शन अब ये जो पॉइंट टू बैक एक्शन है वो यहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे ये जो, जो क्लोदिंग कन्फिग्रेशन है ये पॉइंट टू बैक यहाँ पे दिखाई गई है इस इमेज में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है यहाँ पे फिर पॉइंट टू पॉइंट है और ये हमने कहा कि ये डिस्कस करेंगे हम कि ये पॉइंट टू पॉइंट क्यों होती है हालांकि यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा होता है सिलेंडर से डॉफ़र पे और ये फिर स्ट्रिप कर रहा है मटेरियल जो है ये डॉफ़र के ऊपर से वेब को ये वाला रोलर स्ट्रिप कर रहा है तो स्ट्रिपिंग एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी आप देख लें कि ये पॉइंट टू बैक एक्शन यहाँ पर ये ये इन दोनों की कन्फिग्रेशन है तो ये तीन एक्शन है पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू बैक और बैक टू बैक तो इसके बाद हम कंप्लीट जो वर्किंग है कार्ड मशीन की मुख्तलिफ़ रीजनस की वो आगे नेक्स्ट मशीन में डिस्कस करेंगे और हर हर रीजन में ये एक्शन जो है वो आएंगे